सबसे पहले पनीर को शैलो फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई में तेल और मक्खन डालेंगे। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। अब पिसे हुए टमाटर डालकर 1 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। मसालों को तेल अलग होने तक भूनें। मसालों से तेल अलग हो चुका है तो अब इसमें काजू की पेस्ट डालकर लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनें। एक मिनट के बाद इसमें क्रीम या मलाई ऐड करेंगे, साथ ही गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी भी डालेंगे। इन्हें 1 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर भूनें। सभी मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद अब पानी और नमक ऐड करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने पर पनीर ऐड कर दें और इसे पकने दें। जैसे ही ग्रेवी गाढ़ी होने लगेगी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। सब्जी रेडी हो चुकी है, इसे रोटी, नान या राइस के साथ सर्व करेंगे। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।